गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कहाँ हैं जी? हाँ, आइए चाय पी लीजिए। उठो भाई बच्चों। जिया अभी रुको थोड़ा। चलो ठीक है, जल्दी करो। सुनिए, मुझे लग रहा है हमारा इंडक्शन खराब हो रहा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी ठीक होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो मॉर्निंग का टाइम है, मैं चाय बना रही हूँ और बच्चे सोए हैं। मम्मी जी को मैंने चाय दे दिया है और मैं जा रही हूँ चाय छानने के लिए अपने और पति देव के लिए। तो अभी तो चाय बन रही है। आइए देखते हैं बच्चों के बाव जगाते हैं, बच्चे क्या बोल रहे हैं। या? नहीं, नहीं? कितना सुना है भाई? पीयू 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 उहू। चलो ठीक है, थोड़ी देर और सो लो। छुट्टी है जब तक तब तक सो लो, फिर तो स्कूल अब परसों से जाना ही है ना। दोनों लाइट क्यों बंद करूं? मैं एक बंद करूंगी। चलो उठो, चलो थोड़े सो लो। तो देखा आप सभी ने, अभी नहीं और सोना है। कोई नहीं, कुछ दिन और सोने, फिर तो स्कूल खुल जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि 5 बजे 5:30 बजे उठना ही पड़ेगा बच्चों को स्कूल जाने के लिए, है ना। तो चलिए बने रहिए मेरे वीडियो पे। तो चलिए ये सब होता रहेगा मेरी वीडियो पे, आपको दिन भर देखने को यही मिलेगा। बने रहिए मेरे वीडियो पे एंड तक देखिए। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसमें से व्हाइट कपड़ा अलग कर दो और कलर एक ही में करके धो देती हूँ। व्हाइट तो एक ही मेरे ख्याल से है इनका बस। व्हाइट शर्ट एक ही है इनका। आपका एक ही व्हाइट शर्ट है ना, इसको अलग कर दीजिए। जो और हो जाएगा तब धोगी। शर्ट नहीं है तनगी जाने के लिए। दीजिए प्रेस कर देते हूँ, एक निकालिए कोई तुरंत कर देते हैं। इधर मशीन लगा दूँ ये सर पे डिब्बा पड़ाना बाथरूम से। सर तो है ही नहीं, उसमें लग रहा है ना। सर होगा ना ड्रेसिंग में। देखो तो जिया बाबू, देखो तो बेटा ड्रेसिंग में। ठंड लग रही है क्या तुमको? देखो तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ, शीशे में मैं भी दिख रही हूँ। हे गाइस, पति देव भी दिख रहे थे। मम्मा ये वाला या फिर नहीं, वो तो ऐसे ही इन्होंने ला दिया था घर किसी। तो टाइट, तो टाइट यूज कर।
बच्चा पार्टी क्या हो रहा है? किसी ने मुझसे कहा था कि मम्मा आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है, उसको चार्जिंग पे लगाना है। और कौन था? इधर आओ, तुम इधर आओ, जल्दी आओ, इधर आओ। तुम्हें भूसा मारने का मन हो रहा है मेरा, आओ जल्दी। ये ढिसम ना लाइक नहीं तो मतलब राय दे करके, और तुम मोबाइल चार्जिंग पे नहीं लगाया। मुझे उम्मीद होगी कि मेरी रानी बेटी ने चार्जिंग पे लगा दिया मोबाइल। ढिसम ना लाइक। एक बार और ऐसा होता है, राय दे के फिर मोबाइल चार्ज नहीं लगाई। देखो तो 9%। अच्छा ठीक है, वो तो राय पे देती हो तुम, अपनी बारे में बताओ। मोबाइल वो भी नहीं चलाती है, लेकिन मेरा मोबाइल उठाई थी तो कह रही मम्मा आपका मोबाइल डिस्चार्ज है। मेरा वीडियो पर शूट करने के लिए मैंने बोला था इसको, मैं नहीं ली थी। हाँ तो लिए थे ना, अभी मोबाइल लिए थे ना तुम भी, हाथ में पम्पम का फोटो देख रहे थे ना। बताओ चार्ज तो नहीं थे किसे, कितना है ना। अरे सही हो जाओगे। हाँ कोई भी मोबाइल यहाँ पे लेगा और देखिएगा डिस्चार्ज हो गया तो तुरंत चार्जिंग पे लगा देना। एक तो जब मैं मौके पे वीडियो शूट करने लगा तो मोबाइल हैंग होने लगता है, दूसरा कभी कभी पता चलता है डिस्चार्ज हो गया मोबाइल ही। चलो ठीक है भाई, तुम लोग देखो कार्टून, मैं जा रही हूँ बर्तन धोने, बड़ा काम पड़ा है मेरे पास। इतने सारे कपड़े मैंने धो तो दिए हैं और ड्रायर में सुखा भी दिया है, पर फिर भी इसको मुझे फैलाना तो पड़ेगा। जिया बेटा, कपड़े तो मैंने इतने सारे धो दिए और ड्रायर में सुखा भी दिए। वो देखो दादी का थैला उधर कर दो, गुस्सा करेंगी। तो सुनो ना, लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि मौसम खराब है, छत पर कपड़े में डाल नहीं सकती हूँ, बारिश हो रही है जिससे पड़ रहा है, और कहीं रस्सी लगी नहीं है, तो जो कपड़े मैं ड्रायर में सुखाई हूँ जो हल्का सा और सिमसिमा टाइप से है उसको कहाँ डालूं? मैं कर दे दूं, एक ड्रॉ करती हूँ रस्सी को, सुंदर पिंक कलर नहीं पर्पल कलर। मम्मा मूवी में भी एक टैडी बन रहा था, मेरे पास भी है लेकिन बहुत। मेरे टैडी तो ये चलता फिरता टैडी, बहुत छोटा है, और जो वो वाला टैडी था मैं भूल भी सकता छोटी रूई। चलो एक मिनट आई, तुम्हारे से थोड़ा सा बड़ा ला दूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है। क्या करूँ जी, कुछ बताओ यार, इसलिए पूछ रही थी मैं तुमसे। पट न लाए भाई, प्रूफ हो गया अभी तुमने कार खोला इनसे बिना पूछे। चलो 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 जल्दी अंदर चलो, खाना मांगे थे ना, कहाँ जा रहे हो? पीहू खाना मांगे थे ना, खाना खाना है तुम्हें? बदमाश है, कभी हाँ कभी ना। इस कपड़ों का मुझे बताओ क्या करूं, कहाँ डालूं, कौन सी जगह पे फैलाऊं? तो कितना चाहिए, इतने सारे पंखे हैं घर में। आ गया आइडिया, ये हम यही डाल देते हैं, इतना लंबा सा तो है वो बेचारा, छोटा है मामा। अरे कपड़े गीले नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी अगर गीले भी होंगे तो पूरा स्टील का, तुम्हारे पापा ये वाला तौलिया रोज यहाँ पे गीला गीला डालते हैं। यही डाल देते हैं, और कोई जगह नहीं है मुझे। इतने सारे पंखे हैं घर में, एक पत्ती पे एक कपड़ा भी डालोगे तो हो जाए। जाओ तुम्हें लटक के कूद के जाओ, डाल दो, बंदर तो वही कूदो। चलो यही डालते हैं कपड़े, आ जाओ। नहीं रुको, अभी मोबाइल नहीं मिल सकता है क्योंकि मैं बहुत ही व्यस्त हूँ खुद ही, और ऐसे दरवाजे पे कपड़े डाल रही हूँ, बहुत जरूरी काम। लो उसको, उस दरवाजे पे टांग, क्या उसको लो, इस पे, उसी दरवाजे पे लो। कौन सा दरवाजा? जिसपे मैं डाल के आई हूँ अभी, अरे इस वाले दरवाजे पे भी डाल दो। जाओ तुम उस पर टांग के आओ, मैं इस पर टांग के आती हूँ बेटा। और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, अभी पापा जब तक रस्सी नहीं बांधेंगे तब तक हमें यहाँ वहाँ टांगना ही पड़ेगा। आज सामने कौन? हाँ। मुझे